In this video, I'll talk about my first salary package after completing CMA, the company which I joined, and whether multiple attempts will have an impact on your package or not. So, agar main shuru se shuruaat karu, to February 2022 mein mere CMA final ke results aaye the, and I got an All India rank 39th. Usi din maine placements ke liye bhi apply kar diya, and I chose Mumbai as my placement center. अब जब आप प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जो कि पूरी तरीके से रिज्यूमे ही होता है. मतलब प्लेसमेंट्स में जाने से पहले ही आपको इंस्टीट्यूट को अपना पूरा रिज्यूमे भेजना पड़ता है. एज मेरी रैंक आई थी तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया था फॉर प्लेसमेंट्स. नाउ इंस्टीट्यूट का एक रूल है कि भले आपको सारी की सारी कंपनीज शॉर्टलिस्ट क्यों ना कर ले, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 कंपनीज का ही आप इंटरव्यू दे सकते हो. So for interview purpose, I selected IOCL, Vedanta Limited, Accenture and L&T. As interview same day था चारों का, तो मैंने चारों का interview दे दिया और उसके बाद बारी आई results की. पर results से पहले institute का एक और rule है, वो भी जान लो कि अगर आपने 4 companies का interview दिया है, इनमें से जो भी आपको पहले offer देगी, आप उसी का offer या तो accept कर सकते हो या तो reject कर सकते हो. ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, बहुत बढ़िया बात. रिजेक्ट कर लिया तो कैंपस प्लेसमेंट में आपको कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. ठीक है, तो मतलब आपके पास सिर्फ एक ही ऑफर आता है. सो इन माय केस वेदांता लिमिटेड वाज द फर्स्ट वन टू ऑफर मी अ पैकेज ऑफ 14.45 लाख. सो माय फर्स्ट एवर जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग CMA वाज एट वेदांता लिमिटेड विद अ पैकेज ऑफ 14.45 लाख. अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्या मल्टीपल अटेम्प्ट का हमारे पैकेज के ऊपर कुछ भी इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? इन शॉर्ट मुझसे पूछोगे ना, देन आंसर इज यस. अगर आपका मल्टीपल अटेम्प्ट लगा है तो ये आपके पैकेज को अफेक्ट कर सकता है. जो रैंकर्स होते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे रहते हैं, उनको प्लेसमेंट्स में पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है. कंपनी के परस्पेक्टिव से सोचो यार, अराउंड 2000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं फॉर कैंपस प्लेसमेंट. कंपनीज इन सब का इंटरव्यू तो नहीं ले सकती, इसलिए कंपनीज फिल्टर करती हैं. फिल्टर करने के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. जिनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होंगे, उनके पास ज्यादा कंपनीज से अपॉर्चुनिटीज आएंगी. सो मतलब जो जिनके 3-4 अटेम्प्ट्स लग गए, उनको ना प्लेसमेंट में 3rd या 4th day ही अपॉर्चुनिटीज मिलती है मोस्ट ऑफ द केसेस में. मेरा जो सारा इंटरव्यू हुआ था ना, वो 1st day ऑफ कैंपस हुआ था, जहां पे सबसे ज्यादा पैकेज ऑफर करने वाली कंपनीज आती हैं. 2nd day पैकेज और कम हो जाता है, 3rd day जो कंपनी आ रही है वो और कम ऑफर करेगी, 4th day वाली कंपनी और कम ऑफर करेगी, जिसकी वजह से जो मल्टीपल अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको कम पैकेज ऑफर होता है. अब अगर आपका मल्टीपल अटेम्प्ट लग चुका है, इन दैट केस बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं. मेरे पास 3 ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप ये मल्टीपल अटेम्प्ट वाली प्रॉब्लम को पूरी तरीके से बाईपास कर सकते हो. पॉइंट नंबर 1 इज इंटर्नशिप. देखो यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छी जगह से अच्छा काम सीख रहे हो. अच्छी जगह मतलब किसी रेप्यूटेड CMA फर्म या फिर बिग फोर्स में चले जाओ. इसके अलावा या तो आप रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनी में चले जाओ या फिर गवर्नमेंट कंपनीज में भी जा सकते हो, तो बहुत बढ़िया है. और फिर उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए अच्छा काम सीखने पे. पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अच्छी जगह काम करने का मौका नहीं मिलता. देन इन दैट केस आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा काम सीखने के ऊपर. अब अच्छा काम मतलब क्या होता है, है ना? तो लेट्स से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो फर्म में जा रहा है, लेकिन उसको हर रोज सिर्फ और सिर्फ फॉर्म्स फिल करवा रहे हैं. 3-4 महीने हो गए, उसको अभी तक कुछ भी नया सीखने नहीं मिला है. फाइनेंसेस, कॉस्ट, टैक्सेस के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है कि प्रैक्टिकल में कैसे एप्लीकेशन होता है. देन इट्स हाई टाइम टू स्विच. अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आपको अभी के अभी स्विच कर जाना चाहिए. इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इंटर्नशिप में जहां ज्वाइन कर ले वहीं हमको पूरे के पूरे 15 महीने निकालने हैं. बिल्कुल नहीं. अगर आपको लग रहा है कि ये जगह हमको अच्छी चीजें नहीं सिखा पा रही है, देन आप स्विच करो और ऐसी जगह जाओ जहां पे डिफरेंट एरियाज का आपको पर्सपेक्टिव मिले. आप टैक्सेस के बारे में जान पाओ, आप कॉस्ट के बारे में भी जान पाओ, आप फाइनेंसिस के बारे में भी जान पाओ. इससे ये होगा कि आगे जाके जब आप जॉब करने जाओगे तो आपको पता होगा कि कौन सा एरिया आपको ज्यादा अच्छा लगता है. इसके साथ साथ आप अपने फॉर्म में, अपने रिज्यूमे में भी शो कर सकते हो कि आपने एक अच्छी इंटर्नशिप की है और उसके बारे में आप प्रॉपरली बोल भी पाओगे. पॉइंट नंबर 2 इज गो ऑफ कैंपस.
देखो यार, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आपको ऑन कैंपस ऑफर हो रहा है वही सत्य है, उसके अलावा आपको कहीं और अच्छा पैकेज नहीं मिल सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा एक फ्रेंड था जिसके 3-4 अटेम्प्ट्स लगे थे और उससे उसको ऑन कैंपस ऑफर हुआ था, पर वो पैकेज ना बहुत ही ज्यादा कम था। तो उसने क्या किया, उसने ऑफ कैंपस ट्राई किया एंड ऑफ कैंपस में उसको जितना ऑन कैंपस मिला था उसका 2x ऑफर हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ऑन कैंपस में अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑफ कैंपस ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। ठीक, सो अगर लग रहा है आपको कि आपको ऑन कैंपस सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, सही पैकेज नहीं मिल रहा, तो आप ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3 इज सॉफ्ट स्किल्स एंड सुपर स्किल्स। चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हो, चाहे आप रैंक लेके आ रहे हो, चाहे आप मल्टीपल अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हो, इन सब के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हो। आपको ना भले कंपनी ऑफर लेटर देती है, लेकिन एक्चुअल में आपको हायर एक इंटरव्यूअर ही करता है, आपको एक इंसान ही हायर करने वाला है एट लास्ट। वो आपको कैसे जज करेगा? आपको जज करेगा आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से, आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप कितने अच्छे से अपनी बातें उसको समझा पा रहे हो, ये सब का सब मैटर करता है। लेट्स से एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसने सिंगल अटेम्प्ट में पूरा क्लियर कर लिया है, लेकिन वो ठीक से अपनी बातें कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा इंटरव्यूअर को। लेकिन उसी की जगह एक मल्टीपल अटेम्प्ट वाला स्टूडेंट है जो कि अपनी बातें प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहा है इंटरव्यूअर को, सारी बातें सही तरीके से समझा पा रहा है। इन दैट केस इंटरव्यूअर बोलेगा, यार हटाओ इसका मल्टीपल अटेम्प्ट, हमको नहीं फर्क पड़ता, ये हमारी कंपनी में ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है और इसीलिए कंपनीज उसको हायर कर लेंगे। सो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, जो रैंक और फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक VIP एंट्री पास है। आई रिपीट, ये सिर्फ और सिर्फ एक VIP एंट्री पास है जो आपको इंटरव्यू के लिए एंट्री दिला सकता है। लेकिन इंटरव्यू कैसा जाएगा, उसके आगे मेरी ग्रोथ कैसी होगी, वो सब का सब डिपेंड करता है मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स पे, मेरा इंटर्नशिप कैसा गया और मैं कितना हार्डवर्क देती हूँ आगे। ठीक है, सो अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट वाले हो, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी इंटर्नशिप्स, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करो। शायद ऐसा हो सकता है कि आपका स्टार्टिंग में थोड़ा कम पैकेज से स्टार्ट हो, लेकिन अगर आपने हार्ड वर्क डाला तो आप एक अच्छा खासा पैकेज आगे ग्रैब कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद कि आप रैंकर से भी ज्यादा अर्न कर रहे हो। ठीक है, सो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फोकस ऑन योर इंटर्नशिप्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।